आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो कि दिया है यदि त्रिकोण ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a / 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a है या नहीं है। अपने को सिद्ध करना है कि क्या दोनों आपस में बराबर है या दोनों बराबर नहीं है, दोनों के जो मान आते हैं वो बराबर आने चाहिए या दोनों के मान अलग अलग आते हैं। तो देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन तो दिया है क्या दिया था, 3 cot A = 4। यहाँ जो 3 दिया है ये कहाँ पे दिया है, इनटू में दिया है, और जो संख्या इनटू में दी हुई होती है उसको बराबर से इस साइड भेजते हैं तो कहाँ जाती है, बटे में। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि cot A बराबर 4/3। cot A और cot बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे सॉरी यहाँ पे लिख के बता दू लाल बटे कक, यानी क्या बनेगा लास्ट वाला आधार बटे कर्ण, क्या बनेगा आधार बटे कर्ण, यानी इसके बराबर इसको लिख के तुलना करें तो ये 4 और ये 3, आधार का मान जो हुआ आधार बटे लंबे, सॉरी गलत लिख रहा हूँ यार, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब दिया था, यानी आधार का मान जो है 4 है और लंब का मान कितना है 3 है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जब a के सापेक्ष ज्ञात करो तब ये मानना, जब a के सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं तब आधार 4 है और लंब 3 है, यानी कंडीशन है कि a के मान को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। हमारा थीटा जो बनाया हमने कहाँ पे बनाया, a पर बनाया, तो a के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये a बनेगा, ये b बनेगा और ये c बनेगा। अब चेक करते आधार जो दिया है वो कितना है, 4 है, तो आधार 4 है। अगला दिया है लंब कितना है, तो लंब हमारा 3 है, लंब कितना है 3 है और आधार 4 है। लेकिन जब भी हम मान ज्ञात करते हैं तो अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी भुजाएं ज्ञात है, 2 ज्ञात है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये वाली भुजा जिसको हम बोलते हैं, कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं तो बराबर आता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, प्लस क्या होता है आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है AC, जो कि अपने को ज्ञात करना है। लंब कितना है ये वाली भुजा, जो कि ये 3, तो 3 की घात 2, प्लस आधार कितना है ये वाली भुजा, जो कि है 4 की घात 2। तो AC की घात 2 बराबर 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 यानी कि 16। तो AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने होते हैं 25। AC बराबर जैसे हम इसके ऊपर की 2 घात हटाते हैं तो इस साइड में क्या लगती है कर्णी, यानी कि 25, और AC बराबर इसको बाहर लिख दें तो 5। AC का मान कितना आया 5, ये वाला मान जो हमने निकाल लिया कितना आया 5। अब हम हमारा क्वेश्चन हल करते हैं। सवाल के अंदर क्वेश्चन दिया गया है तो अपने को किस किस के मान चाहिए वो मान में सब पहले निकाल लो। एक तो देखो tan² a यानी कि 10 का मान चाहिए, दूसरा मान किसका चाहिए cos का, और तीसरा किसका चाहिए अपने को साइन का। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे सभी के मान निकाल लेते हैं। पहला मान हम निकालते हैं साइन ए, साइन बराबर क्या होता है हम जानते हैं लाल बट्टे कक्क से हम निकाले, तो लाल बट्टे कक्क पहला वाला जो होता है वो साइन का होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण, क्या बनेगा लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है सवाल का, जो लंब दिया है सवाल का वो है 3 बटे कर्ण कितना है 5, तो ये साइन ए का मान आया। अगला हम बात करें कोस का निकाल लें, तो कोस ए बराबर क्या बनेगा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, सवाल का आधार जो दिया है वो क्या है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5। इसके बाद ए को निकाल लेते हैं टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या दिया है, टेन ए बराबर हम निकाले तो लाल बट्टे कक्कर से निकालेंगे तो लंब बट्टे क्या बनेगा आधार, और लंब कितना है सवाल का ये बनेगा लंब बटे आधार, लंब कितना है सवाल का 3 और आधार कितना है 4, लंब कितना है सवाल का 3 और आधार कितना है 4, ये हमने सबके मान निकाले। अब हम सवाल को देखते हैं, तो सबसे पहले हम सवाल का LHS लेते हैं, इस वाले भाग को LHS कहते हैं और इस वाले भाग को RHS कहते हैं। ये होता है LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, जो इस साइड में होता है ये राइट है
तो राइट हैंड की तरफ है तो राइट हैंड साइड, और इस तरफ यानी कि जो लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला निकाल रहे हम बराबर से इस साइड का, बराबर का जो चिन्ह दिया उससे जो भी संख्या दी गई है इस हाथ की तरफ उनको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसी का मान ज्ञात करना। तो हम निकालते हैं 1 का तो 1 रहेगा, माइनस 10 का मान क्या हमारे पास में ये रहा 3 बटे 4, पूरे का यहाँ पे क्या दिया है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर निकालेंगे। फिर बटे में आते हैं तो 1 का 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या है 3 बटे 4, और पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर, तो फिर से होल स्क्वायर करेंगे। बराबर 1 की घात 1 ही, 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9, और 4 की घात 2 का मान कितना होता है 16। फिर बटे में आते हैं यहाँ पे 1 का मान तो 1 है प्लस 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9, और 4 की घात 2 का मान कितना होता है 16। यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी बटे में कुछ नहीं है यानी कि 1 हम मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे हल करते हैं। यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो 16 का 1 में करेंगे यानी एलसीएम क्या आया 16, 16 का इंटू फिर 1 में करो तो 16 एकम 16 और 9 का 9। फिर बराबर यहाँ पे आते हैं बटे में, यहाँ भी 16 एकम 16 और एलसीएम निकालेंगे तो 16 एकम 16 प्लस 1 का इंटू 9 में करोगे तो 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 16 से 16 कैंसल। बराबर 16 में से 9 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, जैसे 16 में से 9 गए तो यहाँ पे बचे 7, और यहाँ पे 16 प्लस 9 यानी कितना बनेगा 7/25। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम हल करेंगे आरएचएस को, जो आरएचएस का जो मान आता है वो क्या आता है। ठीक है, यहाँ का हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका अगला मान। यहाँ पे इस साइड पे हल कर लेते हैं कि हमारे पास में जो मान आया वो क्या आता है। यहाँ पे देखते हैं अगला मान है आरएचएस, और आरएचएस सवाल का क्या दिया है तो राइट हैंड साइड में था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर का मान क्या है, कॉस का मान है अपने पास में ये रहा 4/5 की होल घात 2, माइनस अगला जो मान दिया है साइन का वो कितना है 3/5 और 3/5 का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 4 की घात 2 का मान कितना होता है 16, और 5 की घात 2 का मान कितना होता है 25, 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9, और 5 की घात 2 का मान कितना होता है 25। दोनों का जब एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, जब भी सेम कंडीशन आती है तो हम एलसीएम ऐसे निकाल लेते हैं जो संख्या लिखी हुई है वही लिखेंगे। 16 माइनस 9 का 16 माइनस 9, जब 16 में से 9 को घटाते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब 16 माइनस 9 आता है 16 माइनस 9 16 में से 9 को घटाते हैं तो कितना आता है 7/25, और ये समीकरण कौन सी बन गई 2। समीकरण 1 व 2 दोनों की तुलना करते हैं, क्या दोनों के मान आपस में बराबर है, तो जी बिल्कुल दोनों के मान आपस में बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध हुआ, अपने को प्राप्त हुआ कि जितना एलएचएस आया उतना ही आरएचएस आया बराबर 7/25। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, दोनों के मान सेम बराबर आए, यही सिद्ध करना था क्या ए या नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दोनों बराबर है, क्या है दोनों बराबर है, यानी जितना एलएचएस है उतना ही आरएचएस है, दोनों का मान सेम आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मिलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।